और ट्रस्ट मी गाइस, जो लाइन संजीव कपूर ने लिखा है वो काफी एविएशन एस्पिरेंट्स के लिए, जेट एयरवेज लवर्स के लिए काफी मोटिवेटिंग है। 25 इयर्स ऑफ जॉय ऑफ फ्लाइंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। यस गाइस, आपने सही सुना, 25 इयर्स ऑफ जॉय ऑफ फ्लाइंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेट एयरवेज का। तो 5 मई को जेट एयरवेज का एनिवर्सरी है और इससे रिलेटेड क्या कुछ न्यूज आ रहा है, क्या कुछ कहना है जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर का। उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दिया है और काफी मोटिवेट किया है एविएशन लवर्स को और ऑब्वियसली आप लोग को। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना अगर आप चाहते हो कि एविएशन से रिलेटेड और जेट एयरवेज से रिलेटेड आपको भी अगर मोटिवेशन मिले। बिकॉज गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर जेट एयरवेज इतना स्पेशल क्यों है, तो क्यों हम लोग जेट एयरवेज का 25th एनिवर्सरी मनाएंगे, क्या कुछ डिटेल है आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। और अगर आप चाहते हो इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जेट एयरवेज से रिलेटेड वीडियो देखना, चैनल पे अगर नए हो क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह से डेली आपको अपडेट्स मिलते रहता है। सो गाइस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको जेट एयरवेज से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, मैं आपको देता हूँ कि अब जेट एयरवेज जो है उसका एस्टिमेटेड स्टार्टिंग डेट वो जून जुलाई से बढ़ के सितंबर हो गया, यानी कि अब जेट एयरवेज जो है उसका ऑपरेशन सितंबर से स्टार्ट होगा। बट गाइज, आफ्टर पेनफुल 3 इयर्स जेट एयरवेज, जी हाँ गाइज, 3 साल बंद होने के बाद जेट एयरवेज फिर से अपना ऑपरेशन स्टार्ट होने का वेट कर रही है। जी हाँ, 2019 में ड्यू टू बैंकरप्सी एंड फंड ना होने की वजह से जेट एयरवेज को बंद कर दिया गया था। सो गाइज, संजीव कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट करके बताया है कि ये जेट एयरवेज के लिए काफी खुशी की बात है कि 25th एनिवर्सरी पे जेट एयरवेज वापस से आ रहा है। सो गाइस, संजीव कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक इमेज शेयर किया है जिसमें ये लिखा है 25 इयर्स ऑफ जॉय ऑफ फ्लाइंग। सो गाइस, इसके अलावा संजीव कपूर ने और क्या लिखा है, आइए मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, जो लाइन संजीव कपूर ने लिखा है वो काफी एविएशन एस्पिरेंट्स के लिए, जेट एयरवेज लवर्स के लिए काफी मोटिवेटिंग है। सो गाइस, संजीव कपूर ने आगे लिखा है, इफ देयर इज वन एयरलाइन दैट कैन ब्रिंग बैक द जॉय ऑफ फ्लाइंग, इट इज द एयरलाइन दैट हैड brought it to you for 25 years। तो इस आर्टिकल का सिंपल मीनिंग यह है कि जेट एयरवेज जब आएगा तो फिर से जॉय ऑफ फ्लाइंग डेफिनेटली देगा, यानी कि आपको बहुत मजा आने वाला है और जेट एयरवेज के साथ फ्लाइंग करने में काफी एक्साइटमेंट भी होने वाला है। फिर आगे लिखते हैं, यू कैन नॉट बीट द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल थिंग, जेट एयरवेज कमिंग बैक सून। सो गाइज, ये आर्टिकल प्रूफ करता है कि जेट एयरवेज बहुत ही जल्द अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है और हम लोग को वेट करना चाहिए। तो अगर आप इसका मतलब समझेंगे, यू कैन नॉट बीट द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल थिंग, यानी कि जेट एयरवेज जो था गाइज वो सच में प्रीमियम एयरक्राफ्ट था, यानी कि जब जेट एयरवेज में आप बैठते आपको लग्जरी का एहसास होता है, ठीक है, तो वो चीज कोई दूसरा एयरलाइन नहीं दे सकता है सिवाय जेट एयरवेज के। तो जेट एयरवेज जो दे सकता है वो दूसरा एयरलाइन नहीं दे सकता है। और गाइस, जेट एयरवेज से रिलेटेड आप एक और इम्पोर्टेंट चीज जान लो, जो जेट एयरवेज है वो 5 मई 1993 को अपना फर्स्ट फ्लाइट हुआ था, यानी कि उसका पहला ऑपरेशन हुआ था और उसका मिशन यही था कि जॉय ऑफ फ्लाइंग, यानी कि जो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो काफी तगड़ा और काफी सही होना चाहिए। और अब हम लोग 5 मई 2022 को इसका 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। एंड गाइस, जेट एयरवेज लास्ट में ये लिखता है, वी थैंक यू फॉर योर लव एंड इनक्रेडिबल सपोर्ट इन मेकिंग दिस जर्नी ट्रूली स्पेशल। और गाइस, स्पेशल सच में है, बिकॉज जेट एयरवेज जब से बंद हुआ था तब से ही लोग पच नहीं रहा था, यानी कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि जेट एयरवेज आखिर बंद कैसे हो सकता है। तो जिस दिन से जेट एयरवेज बंद हुआ था उस टाइम से ये था कि नहीं यार, जेट एयरवेज आएगा आएगा दोबारा आएगा, वापस आएगा, और अभी देख लो अभी बस आने ही वाला है। सो आखिर कब तक आता है, क्या कुछ होता है, जो भी न्यूज होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि आप लोग को अपडेट रहे, अपडेट मिलता रहे जेट एयरवेज से रिलेटेड और एविएशन से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से अगर आप इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स देखना चाहते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। सो कम ऑन, मिलता है किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी, बाय, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।